दोस्तों, अगर हम साउथ फिल्मों की बात करें तो इन फिल्मों को पूरा देश पसंद करता है, क्योंकि इनकी कहानी थोड़ी नई होती है और साउथ के एक्टर्स की फैन फॉलोइंग तो बॉलीवुड के एक्टर से भी ज़्यादा होती है। और बात करें साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की, तो उनके स्टाइल और फिल्मों के तो लोग फैन हैं। फिल्म अर्जुन रेड्डी से विजय सबकी नज़रों में आए थे, जिसका हिंदी रीमेक कबीर सिंह था। आज हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विजय देवरकोंडा के साथ काम करना चाहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके पास ग्रेड खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम विजय के स्ट्रगल से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। विजय साई देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को तेलंगाना में हुआ। इनके पिता का नाम गोवर्धन राव देवरकोंडा है और माँ का नाम माधवी देवरकोंडा है। इनके पिता गोवर्धन राव देवरकोंडा प्रसिद्ध अभिनेता और एक टीवी धारावाहिक और विज्ञापन निर्देशक हैं। विजय ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पुटपर्थी के श्री सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने से पहले हैदराबाद के सरो नगर में ईस्टर्न टेम्पल हाई स्कूल से प्राप्त की। पुटपर्थी के बोर्डिंग स्कूल में रहने के दौरान विजय घर और परिवार से दूर रहे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कॉलेज की पढ़ाई के लिए हैदराबाद चले गए, जहां उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां से स्नातक कर देवरकोंडा ने बाद में बदुरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे घर पर ही खाली बैठे थे, तब उनके पिता ने उन्हें डांटा और कहा, जब कुछ करना ही नहीं था तो मेरे पैसे पढ़ाई में बर्बाद क्यों किए। इस पर विजय ने जवाब दिया, अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं तो मुझे न्यूयॉर्क के एक्टिंग स्कूल में क्यों नहीं डाल देते, फिर मैं आपको एक्टर बनके दिखाऊंगा। ये बात विजय ने गुस्से में बोली थी। क्योंकि विजय के पापा टेलीविजन के जाने माने नाम थे, इसलिए उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट से एक लोकल थिएटर ग्रुप में विजय को दाखिला दिलाया। इसके बाद विजय थिएटर में एक्टिंग करने लगे और यहीं से इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद 2011 में आई फिल्म नुवील से इन्हें ब्रेक मिला। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसका निर्देशन रवि बाबू ने किया था। विजय को लगा इस फिल्म के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म में काम करने के बाद अगली फिल्म उनको 4 साल बाद 2015 में मिला, जिसमें उनका छोटा सा रोल था। ये फिल्म थी यवड़े सुब्रमण्यम, जिसमें लीड रोल में ननि थे। इस फिल्म में विजय को देखने के बाद ही संदीप ने विजय को अर्जुन रेड्डी का ऑफर दिया था और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म से विजय का स्ट्रगल खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने महानती, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसे हिट फिल्म दिए। आज उनकी फिल्मों के राइट्स खरीदने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा था जब उनके पास ब्रेड खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और आज खुद को टॉप एक्टर की लिस्ट में देखकर खुशी होती है। उनका मानना है कि अगर यावड़े सुब्रमण्यम फिल्म में उनको रोल नहीं मिलता तो वे एक्टिंग छोड़ चुके होते। विजय की अपनी प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट है। अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर संदीप वंगा ने विजय को कबीर सिंह फिल्म ऑफर किया था, लेकिन विजय ने मना कर दिया। उसके बाद इस फिल्म में शाहिद कपूर को लिया गया और यह फिल्म जबरदस्त हिट रही, जो कि अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक था। विजय जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। अपने बर्थडे पर उन्होंने ट्रकों में आइसक्रीम बंटवाए थे। फिल्म अर्जुन रेड्डी के लिए उनको बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। इस अवार्ड को उन्होंने बेच दिया और अवार्ड से मिले 25 लाख को डोनेट कर दिया। विजय देवरकोंडा अपने फैंस को राउडी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें फैन वर्ड पसंद नहीं है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर और इंस्टा पर इनके लाखों फैंस हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर वो किसी को फॉलो नहीं करते। फरवरी 2020 में उनकी फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर आ रही है, जिसमें उनके साथ 4 अभिनेत्रियों ने काम किया है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।